नमस्कार दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं कठिन बच्चों के बारे में, डिफ़िकल्ट चाइल्ड, जो बहुत शैतान होते हैं, जल्दी किसी कंट्रोल में नहीं आते और तमाम डिफ़िकल्टीज रहती है। तो इस चैप्टर को देखिए और अगर आपको ज़रूरत हो अपने बच्चे को ट्रीटमेंट में देनी हो ट्रीटमेंट, तो आप इसमें से देख करके अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं लक्षण बता रहा हूँ। पहली दवा बता रहा हूँ, कैमोमिला। उत्तेजित, बेचैन, धैर्य रहित बच्चे, लेकिन जब उन्हें गोद में लिया जाए तो वह शांत एवं सीधे साधे। केवल एक चीज़ के लिए बहुत जिद करना, लेकिन जब वह चीज़ दी जाए तो उसे फेंक देता है और दूसरी मांगने लगता है। दर्द को तनिक भी बर्दाश्त न कर पाना, तथा युवा लड़कियों में स्तनों की संवेदनशीलता इस दवा के प्रमुख लक्षण हैं। दूसरी दवा है इग्नेशिया। नर्वस, अत्यधिक भावुक, उदास तथा दुखी, अकेले में चुपचाप रो लेने की प्रवृत्ति, रंजीदगी, अनैच्छिक रूप से शिष्कारी लेता है, हमेशा जमाई लेता है तथा कुछ न कुछ के लिए रोता है। मानसिक अवसाद, इग्नेशिया। इसके बाद है पल्स्टीला। अस्थिर, बदलने वाला मूड, डरपोक तथा भावुक, न कुछ के लिए रोता है, भुलक्कड़, अनिश्चयी, चिंताग्रस्त, गैर एहसानमंद, विपरीत सेक्स से डरता है, अनिद्रा, प्यास का बिल्कुल अभाव, मुहासे। तो पल्स्टीला दवा दी जाएगी। इसके बाद है सीपिया। दुखी, किसी भी चीज में रुचि न रखने वाला, हर चीज के प्रति उदासीन, चाहे वह खेलना हो, पुरस्कार, डिस्टिंक्शन इत्यादि हो, कुछ भी चीज़ ना उसमें रुचि पैदा करती है और ना उसका मनोरंजन करती है। कम हौसला तथा थका हुआ अनुभव करता है, एक कोने में चुपचाप रोता है, बहुत भावुक, नाक पर पीले धब्बे, सिरका खाने की इच्छा, मांस के प्रति अरुचि, दूध हजम नहीं कर पाता, तो CPR-30 दवा देनी चाहिए। और अगली दवा है आयोडियम। लालची, चिड़चिड़ा तथा स्थिर होकर आराम नहीं कर पाता, हमेशा भूख, कभी संतुष्ट नहीं, अच्छी प्रकार से खाने पीने पर भी तेजी से दुबलाता हुआ, ग्लैंड्स, थायराइड, आग्जनिक, मेसेंट्रिक, इनगुइनल इत्यादि का कम स्त्राव, तो आयोडीन दवा दी जाएगी। हीपर सल्फर, धूर्त, गलत काम करने, पीटने की, आग लगाने का स्पंदन, कभी भी संतुष्ट नहीं, हमेशा जगह बदलता हुआ, खाल की खराब सेहत, भारी मात्रा में बदबूदार पसीना, तो हीपर सल्फर दवा दी जाती है। उसके बाद है एनाकार्डियम। आवेगशील, जिनको प्यार करता है, आदर करता है, उनसे असहमति, यद्यपि वह इस बात को समझता है लेकिन वह ऐसा करने के लिए मजबूर है, गंभीर मामलों में हंस देता है तथा छोटी छोटी बातों में गंभीर हो जाता है, सशंकित, चिड़चिड़ा, धोखेबाज, गाली देता है व कोसता है, खाने के बाद बेहतर, ये एनाकार्डियम का लक्षण है। इसके बाद है लाइकोपोडियम। गुस्सैल, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, तीखे शब्दों में बोलता है, एकदम से भड़क जाता है, उसका खुद पर काबू नहीं रहता, आत्मविश्वास का अभाव, जिम्मेदारी वहन करने से डरता है, जागने पर मूड खराब, याददाश्त की कमी, लिखते वक्त अक्षर भूल जाता है, अपनी बात कहने के लिए उचित शब्द नहीं ढूंढ पाता है, तो लाइकोपोडियम। उसके बाद है कॉस्टिकम। दब्बू, अविकसित बच्चा, चलना व बोलना देर से सीखता है, शाम होने पर गोधली में चिंतित व उत्तेजित, बच्चा बिस्तर पर जाकर सोता नहीं है, तो कॉस्टिकम दवा दी जाती है। सैनिकुला, जिद्दी, हठीला बच्चा, क्रमिक रूप से दुबलाता हुआ, बच्चा गंदा, बूढ़ा व चिकनाई युक्त दृष्टि देखता है, गर्दन के पास खाल में झुर्रियों तथा सिलवटों में लटकती है, तो ये सैनिकुला का पेशेंट है। अगली दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम। बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, इस दवा के इस्तेमाल से 30 डाइल्यूशन दिन में 4 बार उसे स्कूल जाने की आदत निर्मित हो जाती है,
इस दवा को दिन भर 4 बार देगी तो स्कूल जाने की आदत बन जाएगी, अर्जेंट नाइट्रिक से। उसके बाद है सल्फर, नशा किया हुआ, दमा, एक्जिमा, सुबह डायरिया, अनिद्रा, कमजोरी, अत्यंत थकान से लगातार पीड़ित, खड़ा नहीं हो सकता, शारीरिक व्यायाम के प्रति अरुचि, धोने व नहाने से अरुचि, जलन, तो सल्फर दवा दी जाती है। तो दोस्तों ये कठिन बच्चों का इलाज है और इसको ध्यान में रखें, क्योंकि बच्चों का विकास का पूरा ध्यान रखना माता पिता की जिम्मेदारी है। अगर आप किसी बच्चे की परवरिश कर रहे हैं तो उसका पूरी तरीके से निरीक्षण कर लें और कहीं से कोई कमी नज़र आए तो उसका ट्रीटमेंट कर दें। सस्ती मंदी दवाएँ हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं, बच्चे का ट्रीटमेंट करके उसको ठीक कर दें और ताकि उसका अच्छा विकास हो। उस शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।